नगर पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों का हस्तिनापुर क्षेत्रीय विधायक ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें गरीबों के लिए बनाया गया सामुदायिक केंद्र, यात्री शेड, फूल सिंह देवता पर बनाया गया इंटरलॉकिंग रास्ता, ठाकुर द्वारा सौंदर्यकरण, इसके अलावा गली में इंटरलॉकिंग आदि का लोकार्पण किया गया, जिसमें एक सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मंगलवार की दोपहर मोहल्ला सड़क वाला वार्ड 7 में बनाया गया सामुदायिक केंद्र का शुभारंभ हस्तिनापुर क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक और चेयरमैन विनोद चाहल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसमें एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में बोलते हुए विधायक दिनेश खटीक ने कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 442 करोड़ रुपए का विकास कार्य करा दिया गया है। उनका हर गांव में पत्थर लगा हुआ है। वो गरीब मजलूम आदि की सेवा करने में तत्पर खड़े हुए हैं। उन्होंने बहसुमा को आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। जल्दी बहसुमा नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बन जाएगी, जिसमें सैकड़ों रुपए के विकास कार्य होंगे। विधायक ने नगर पंचायत द्वारा कराया गया सामुदायिक केंद्र, यात्री शेड, फूल सिंह देवता पर जाने वाला रास्ता और ठाकुर द्वारा में किया गया सौंदर्यकरण, वार्ड 3, वार्ड 7, वार्ड 8, वार्ड 5, वार्ड 11 आदि सड़कों का भी संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। उसके बाद साफ सफाई में कड़ी मेहनत करने वाले संजय वाल्मीकि, सतीश जाटव, शिमला वाल्मीकि को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मास्टर नयन सिंह ने और संचालन गौरव राजवंशी ने की। ये विकास जो हुआ है इस नगर पंचायत में, यदि सरकार की नीति और नियत सही होगी तभी विकास हो पाएगा। सरकार की नियत अगर सही नहीं होगी तो चाहे वो कोई विधानसभा हो या कोई नगर पालिका हो या कोई नगर पंचायत हो, वो कभी भी कहीं भी विकास हो नहीं सकता। जब आपके चेयरमैन ने मेहनत करी, यहाँ के प्रस्ताव लेकर आए और मुझे इन्होंने बताया कि विधायक जी, पूर्व की सर जो पैसा आया पड़ा है 35 लाख रुपए, उसका समय खत्म हो गया है। यदि आप मेहनत करें और मुझे लखनऊ लेके चलें, मेरे साथ चलें, तो प्रजापति समाज का जो ये सामुदायिक केंद्र है ये बन जाएगा। आप मेरे साथ चलें। मैंने इनसे कहा कि आप पूरे नगर पंचायत के जितने भी प्राकलन हैं, जितने भी इस्टीमेट हैं, वो सभी बनवा लो और आप मेरे साथ लखनऊ चलो। मैं आपके साथ चलूँगा। मैं अपनी पूरी ताकत से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ के लिए लेकर आऊँगा। आपने इसका श्रेय चेयरमैन साहब को भी जाता है, क्योंकि इन्होंने